अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी नई वीडियो का अपडेट मिस ना कर पाएं। जयपुर में जीका वायरस से 22 मरीजों के संक्रमित होने की पुष्टि होने के बाद राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक की नींद उड़ी हुई है। इसको लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस वायरस के प्रसार पर स्वास्थ्य मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान में जीका वायरस से संक्रमित पाए गए व्यक्तियों में एक बिहार से भी है। बताया जा रहा है कि वह कुछ दिनों पहले ही बिहार के सीवान से लौटा है। ऐसे में बिहार सरकार को यह डर है कि कहीं जीका वायरस राज्य में भी तो पैर नहीं पसार रहा है। फिलहाल बिहार सरकार ने अपने सभी 38 जिलों को नजर रखने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पीएमओ ने जयपुर में जीका वायरस को लेकर रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में एक नियंत्रण कक्ष भी तैयार किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि राजस्थान में जीका वायरस के 22 मामलों की पुष्टि हुई है। वो सभी जयपुर के निर्धारित इलाके से आए हैं और यहाँ मच्छरों के नमूनों की जाँच की जा रही है। अधिकारी ने बताया कि खास तौर पर गर्भवती महिलाओं की निगरानी की जा रही है क्योंकि उनमें जीका वायरस फैलने का डर सबसे ज्यादा है। मालूम हो कि जीका वायरस अब तक दुनिया भर के 86 देशों में मिला है। यह भारत में जनवरी और फरवरी 2017 में पहली बार अहमदाबाद में पाया गया था। इसके बाद तमिलनाडु में भी इसकी पुष्टि हुई थी, हालांकि उस वक्त उस पर काबू पा लिया गया था। दिल्ली में भी जीका वायरस फैलने का खतरा है। डॉक्टरों का कहना है कि दिल्ली के लिए चिंता की बात ज्यादा है क्योंकि वायरस के दिल्ली में फैलने का अनुकूल जरिया है। जल्द ही हम आपको जीका वायरस से कैसे बचें इसका उपाय बताए गए। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।